देश में लगातार महिलाओं व छात्राओं के साथ बलात्कार व हत्या की घटनाओं को देखते हुए अजमेर में सर्वदम समिति का गठन किया गया। यह समिति 5 दिसंबर को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर बलात्कार हत्या व महिला अत्याचार को लेकर राष्ट्रपति गृह मंत्री प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेगी और उनसे मांग करेगी कि इस तरह का कृत्य करने वाले बलात्कारियों व हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए और साथ ही इस तरह की वारदात व घटनाएं वापस ना हो इसके लिए एक ठोस कानून बनाया जाए। इसका ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से सौंपा जाएगा। 19 को संत कंवरराम धर्मशाला में एक सर्व समाज अजमेर वासियों की जो एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि देश में बढ़ती हुई बलात्कारी घटनाओं में जो बरी हो रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए और जो कानून के अंदर संशोधन करने के लिए एक आम सहमति से अजमेर सर्व नागरिक मंच की स्थापना की गई और उसमें जो है कल कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम से व गृह मंत्री के नाम से एक ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें उनसे मांग की जाएगी कि अपराधियों को जल्द से जल्द और कड़ी कार्रवाई करके और जो सजा दी जाए। आज दिनांक 4/12 को एक संत कंवरराम धर्मशाला के अंदर अजमेर के समस्त नागरों की तरफ से एक सादर सभा बुलाई गई है, जिसमें जो हैदराबाद के अंदर जो सबसे बड़ा कांड हुआ है एक डॉक्टर के साथ और अपने राजस्थान के अंदर जो टोंक में है, अलवर में है, भरतपुर जहाँ भी हुए बीकानेर में हुए हैं, उसकी हम बड़ी निंदा करते हैं और सरकार से ये डिमांड करते हैं कि इनके जो केस चलते हैं उनको 6 महीने के अंदर कम से कम सजा मिलनी चाहिए और मर्सी पिटीशन जो है उसके लिए हम मना करते हैं कि गवर्नमेंट इसकी मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट नहीं करे, सीधा यानी कि अपने सेशन कोर्ट से लेके सीधा अपने सुप्रीम कोर्ट में जावे, उसके बाद कोई राष्ट्रपति कोई कुछ नहीं होना चाहिए हमारी ये कल। और कल शाम को कल अपन सुबह 11 से 12 बजे तक डाक बंगले में मिलेंगे सर अजमेर नगर के सर नागरिक और वहाँ पर मौन रैली मौन सजल्स के रूप में कलेक्टर के पास यहाँ पर अपन एक ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति।